तरफ से बच्चा थे, गोदी में खिलाए हैं, खिलाए हैं, पिलाए हैं। जो लोग छठ करते हैं, हम सब लोग उससे सबका, बड़े लोगों का आशीर्वाद तो रहना ही चाहिए छोटे पर। मेरे तरफ से तो आशीर्वाद है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव गोपालगंज में थे और वो RJD प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे थे। RJD के तमाम नेताओं के साथ बैठक की और चुनाव जीतने की रणनीति बताई। तेजस्वी यादव ने अपने तमाम पार्टी के नेताओं को लगा दिया है इस मुहिम में कि हर हाल में गोपालगंज जीत लिया जाए, क्योंकि गोपालगंज तेजस्वी यादव का घर है, तेजस्वी यादव के दादी का घर, उनके नानी का घर है, खुद तेजस्वी यादव बता रहे थे। तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव का संदेश लेकर पहुंचे हुए थे। और इस बीच तेजस्वी जब मीटिंग से बाहर निकले तो एक सवाल पूछा गया, इस सवाल के जवाब में तेजस्वी यादव ने जो बातें कही उसकी हम चर्चा करें। दरअसल महापर्व छठ की तैयारी चल रही है, छठ पूजा को लेकर भी सवाल पूछा गया था तेजस्वी यादव से। सवाल ये था कि उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाली उनकी मामी भी छठ पूजा कर रही हैं, क्या उनसे आशीर्वाद लीजिएगा। हालांकि लालू परिवार का जो रिश्ता है वो ससुराल पक्ष से बिल्कुल कट गया है। तेजस्वी अपने मामा और अपनी मामी से बात नहीं करते हैं, लेकिन जब गोपालगंज पहुंचे तो सवाल था कि मामी छठ कर रही हैं, उनका आशीर्वाद लीजिएगा। तेजस्वी सवाल को टालते हुए कहे कि हाँ, वो सभी बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं जो भी छठ व्रती होते हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की मामी से जब यह पूछा गया कि आपके जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं वो पहुंचे हुए थे, आपके रिश्तेदार हैं, वो आपके पास नहीं पहुंचे, उन्होंने कहा कि, उनकी मामी का बयान आया, उन्होंने कहा कि हमने तेजस्वी यादव को गोद में खिलाया है, वो जब छोटे थे तो उनको काफ़ी लाड़ प्यार दिया है, हमारा आशीर्वाद है कि वो और तरक्की करें। सियासी लड़ाई के बीच जो मामी का प्यार तेजस्वी यादव के लिए दिखा था वो पारिवारिक प्यार था, लेकिन तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पे कहा कि मौसम चुनाव का है और ऐसे में अगर वो अपने रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं तो इसका असर चुनाव पर पड़ेगा, लिहाजा तेजस्वी इन तमाम बातों को जानते थे। यही वजह है कि इस तरीके के सवाल को टाल कर तेजस्वी आगे बढ़ गए। सुनिए तेजस्वी यादव गोपालगंज में बैठक कर क्या कुछ रणनीति बनाए और मामी के ऊपर पूछे गए सवाल पर क्या कुछ जवाब दिए, साथ ही साथ मामी ने तेजस्वी यादव को कौन सा आशीर्वाद दिया ये भी देखें। हाँ, प्रणाम प्रणाम। पूरे देशवासियों को, बिहार के लोगों को छठ पर्व है जो लोक आस्था का पर्व है, इस मौके पर सभी छठ व्रतियों को और सभी लोगों को हमारी शुभकामनाएं। दूसरा चीज़ की राबड़ी जी छठ करती है, आप क्या वो जो होता है तो लेकर जाएंगे? नहीं नहीं, अभी तो आप जान ही रहे हैं कि मेरे पिता का जो है किडनी ट्रांसप्लांट होना है, उसका प्रोसेस चल रहा है। जी जी, तो सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा किया जाता है, सब लोग घर के लोग तो अभी वहाँ व्यस्त हैं। एक काफ़ी लंबे एक, एक चीज़ आपकी मामी भी छठ कर रही है, क्या आशीर्वाद लेंगे? आपकी मामी भी छठ कर रही है, क्या जो लोग छठ करते हैं, हम सब लोग उससे सबका, बड़े लोगों का आशीर्वाद तो रहना ही चाहिए छोटे पर। इस मामी से आशीर्वाद लेने नहीं आए हैं, लेकिन वो तो बोले हैं कि मामी का आशीर्वाद हमारे साथ है। तो छोटा बच्चा, हम लोग तरफ से बच्चा थे, गोदी में खिलाए हैं, खिलाए हैं, पिलाए हैं, तो मेरे तरफ से तो आशीर्वाद है और रहेगा, छोटा बच्चा है तो प्यार भी रहेगा।
है।